हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू अनदर वीडियो। सो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। एंड अभी हो रहा है आई गेस 11:41 एंड मैं सुबह उठ गई थी, अपना ब्रेकफास्ट वगैरह भी कर लिया लाइक ए गुड गर्ल। एंड गाइस, मैं आज कोई ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करने वाली नहीं हूँ। मैं आज आप हम लोग थोड़ा ज्ञान की बात करने वाले हैं, क्योंकि गाइस आप लोगों को तो पता ही होगा मैं यूट्यूब के थ्रू एंड इंस्टाग्राम के थ्रू कोलैबोरेशन करती हूँ ब्रांड के साथ एंड मैं उससे इनकम भी करती हूँ, लाइक मुझे थोड़ा बहुत मनी भी आ जाते हैं। तो गाइस, बहुत सारे लोगों ने मुझे डीएम किया था एंड मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने, फॉलोअर्स ने भी मुझे कमेंट में पूछा था एंड डीएम भी किया था कि मैम आप कैसे कोलैबोरेशन करते हैं, कोलैबोरेशन कैसे किया जाता है, हम लोग कैसे अप्रोच करें ब्रांड को या फिर ब्रांड हमारे तक कैसे पहुँचेगी। तो ये सब में उनको बहुत सारे लोगों को डाउट था। तो गाइस, मैं सोची कि चलिए आप लोगों का डाउट क्लियर करने के लिए एक वीडियो बना लेते। सो गाइस, मैं प्रीवियसली एक वीडियो बनाई थी, बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाई थी बी ऑनेस्ट। तो गाइस, कुछ लोगों को तो समझ में आ गया एंड कुछ लोग ने मुझे मेंशन भी किया था एंड बहुत सारे लोगों ने मुझे थैंक यू सो मच भी बोला, क्योंकि मेरे वीडियो को देखने के बाद उनको कोलैबोरेशन मिला भी है, वो लोग वही सेम टेक्निक अप्लाई भी किए हैं। तो गाइस, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया तो वो लोग डीएम किए थे एंड कमेंट भी किए थे, उनको थोड़ा मोड़ा डाउट है। तो मैं सोची कि चलिए आप लोगों का डाउट क्लियर करने के लिए और एक पार्ट टू कोलैबोरेशन वीडियो बना लेती हूँ, ताकि आप लोगों का हेल्प हो जाए। सो गाइस, प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप लोग वीडियो को स्किप कर करके देखते हो ना, इसलिए आप लोगों को समझ में नहीं आता है कि कैसे कोलैबोरेशन किया जाता है एंड मैं आज भी बहुत डिटेल में समझाने वाली हूँ। अगर आज के वीडियो में भी आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में बताना और मुझे डीएम कर देना, तो मैं प्रोबेबली कोशिश करूँगी कि वो सारे डाउट भी आप लोगों का क्लियर कर दूँ। सो गाइस, प्लीज़ वीडियो को ध्यान से एंड बिना स्किप किए एंड तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो को। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कोलैबोरेशन होता है क्या है। गाइस, कोलैबोरेशन ये होता है कि जब आपका 50% एफर्ट्स रहता है एंड ब्रांड का 50% एफर्ट्स रहता है, मींस कि अगर दो लोग एक ही काम को मिल के करते हैं देन उस काम को बोला जाता है कोलैबोरेशन। ओके, तो गाइस आप 50% एफर्ट्स दिखाओगे उस प्रोडक्ट के ऊपर और या भी कोई भी चीज़ के ऊपर एंड ब्रांड 50% एफर्ट्स दिखाएगा उस चीज़ के ऊपर, तो उसका बोला जाता है कोलैबोरेशन। सो गाइस, कोलैबोरेशन होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं। गाइस, कोलैबोरेशन दो टाइप का होता है, एक बार्टर कोलैबोरेशन होता है और एक पेड कोलैबोरेशन होता है। सो गाइस, बार्टर कोलैबोरेशन में क्या रहता है, मोस्टली बहुत सारे बार्टर कोलैबोरेशन रहता है। मोस्टली टाइम ब्रांड क्या करता है, आपको ऑलरेडी पैसा भेज देता है, आपको खुद से प्रोडक्ट परचेस करना रहता है, देन अमेजन में उसका रिव्यू करना रहता है, इंस्टाग्राम में उसका रिव्यू करना रहता है, इधर आपको यूट्यूब में वीडियो बनाने के लिए ब्रांड अपना क्राइटेरिया रखता है, ख़त्म, और प्रोडक्ट आप ही के पास रहता है एंड ब्रांड पहले ही से ही पैसा भेज देता है। और एक टाइप का बैटर कोलैबोरेशन में क्या होता है कि सबसे पहले आपको प्रोडक्ट खुद से परचेस करना रहता है अमेजन से। अमेजन हो गया, नायका हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, कोई भी वेबसाइट से आपको खुद से पहले प्रोडक्ट परचेस करना पड़ेगा खुद के मनी से। उसके बाद वो प्रोडक्ट को ला के आपको अमेजन में रिव्यू करना होगा फर्स्ट, सेकेंड आपको इंस्टाग्राम में कोई पोस्ट हो गया, रील्स हो गया, वीडियो हो गया, उस वो करना पड़ेगा। इधर आप अगर आपका YouTube हैंडल है, अगर आप यूट्यूबर है तो आपको YouTube में भी उसके बारे में पोस्ट करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद क्या होगा, आप वो सारे स्क्रीनशॉट ब्रांड को सेंड करना पड़ता है कि हमारा रिव्यू हो गया, हमारा Amazon रिव्यू हो गया एंड Instagram रिव्यू भी हो गया। एंड जब वो लाइव हो जाता है उसके बाद ही ब्रांड फिर आप जो खुद से परचेस किए रहते हैं अपने पैसे से, वो पैसा आपको रिटर्न कर देते। तो ये हो गया गाइस बार्टर कोलैबोरेशन। और एक टाइप का बार्टर कोलैबोरेशन रहता है, उसमें क्या होता है गाइस, आपको खुद से ख़रीदना नहीं पड़ता, ब्रांड खुद ही अपने तरफ से जो पीआर पैकेज भेज देते हैं, बस आपको रिव्यू करना रहता है। ये हो गया बार्टर कोलैबोरेशन के बारे में डिटेल में। सो गाइस, अब बात करते हैं पेड कोलैबोरेशन के बारे में। सो गाइस, पेड कोलैबोरेशन क्या होता है, मोस्टली जिनका इंस्टाग्राम में 10K से एबव रहता है, आप एक मिनिमम मान के चलो 10K से एबव जिसका भी रहता है और यूट्यूब में अगर जिसका 10K से एबव सब्सक्राइबर रहता है, उनको पेड कोलैबोरेशन मिलता है। मोस्टली टाइम मिल जाता है, जैसे मेरे को भी 3 से 4 बार पेड कोलैबोरेशन मिला है और मेरा यूट्यूब में 1900 प्लस सब्सक्राइबर है एंड इंस्टाग्राम में भी 4K फॉलोअर्स है, तो मुझे भी
मतलब अगर आपका किस्मत अच्छा रहा तो आपको पेड कोलैबोरेशन मिल जाता है। सो गाइस पेड कोलैबोरेशन में क्या होता है, ब्रांड आपको प्रोडक्ट भी सेंड करती है एंड अपना क्राइटेरिया दे देते हैं वो लोग कि आपको कहाँ कहाँ रिव्यू करना है, पोस्ट के बारे में वीडियो बनाना है या फिर ओनली फोटोज़ डालना है। उसके बाद अगर आपका मतलब वो पोस्ट में एंगेजमेंट, लाइक, कमेंट, रीच वगैरह अच्छा रहता है, उसके बेसिस में वो लोग आपको पे करते हैं। पेड कोलैबोरेशन बेसिकली पहले से वो आप लोग को इन्फॉर्म कर देंगे कि ईच पोस्ट वो लोग आप को कितना पे करने वाले हैं, या फिर प्रमोट करने के बाद, रिव्यू करने के बाद ही फिर वो आप लोगों को अमाउंट बताते हैं कि कितना पे करेंगे। तो गाइज़ पेड कोलैबोरेशन मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, बट थोड़ा स्टार्टिंग में स्ट्रगल करना पड़ता है। एकदम डे वन से ही आपको पेड कोलैबोरेशन नहीं मिल जाता। अगर आपके सब्सक्राइबर फॉलोअर्स अच्छा है, बेस अच्छा है, एंगेजमेंट अच्छे, रीचेस में अच्छा जा रहा है तो मिल जाएगा, बट स्टार्टिंग में बैटर कोलैबोरेशन में ही सबको आता है। सो गाइस ये हो गया अब कोलैबोरेशन के टाइप्स के बारे में एंड कोलैबोरेशन कैसे किया जाता है। अभी गाइस मैं आप लोगों को ये बताऊंगी जो लोगों को नहीं समझ में आता है कि ब्रांड को कैसे रीच करेंगे एंड किसका कितना फॉलोअर्स होना चाहिए। सो गाइस सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि आपको मिनिमम कितने फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर चाहिए फॉलोअर्स के लिए। सो गाइस जो सबसे कम अमाउंट है, मिनिमम आपका 1K सब्सक्राइबर होना चाहिए यूट्यूब पर एंड 1K फॉलोअर्स होना चाहिए इंस्टाग्राम पर, एंड आपका जो फीड में आप जो फोटोज़ वगैरह डालते हो वहाँ पे आपका एंगेजमेंट अच्छा होना चाहिए। अब कुछ लोग पूछेंगे कि मैम एंगेजमेंट क्या होता है। गाइस एंगेजमेंट मतलब ये होता है कि वो फ़ोटो को आपके जो फॉलोअर्स है बहुत अच्छे, लाइक 500 अब लाइक्स आते होंगे, कमेंट्स आते होंगे एंड वो फ़ोटो बहुत सारे लोग ने सेव करके रखते होंगे, ये सब इनसाइड्स अपना पता चल जाता है। सो गाइस अगर आपके पोस्ट में अच्छी एंगेजमेंट होगी तो आपको तुरंत कोलैबोरेशन मिल जाता है। ये हो गया मिनिमम क्राइटेरिया, यूट्यूब में 1K होना चाहिए एंड इंस्टाग्राम पर भी 1K होना चाहिए। ओके सो गाइस अभी आपको क्या करना रहता है, अगर आपका 1K फॉलोअर्स है मोस्टली इंस्टाग्राम पर से ही स्टार्टिंग का कोलैबोरेशन मिलता है। तो गाइस जो छोटे छोटे ब्रांड है इंस्टाग्राम पर, आप अचानक से बड़े ब्रांड को अप्रोच करोगे, सुगर हो गया, नायका हो गया, तो ये लोग नहीं रेडी होंगे, क्योंकि ये लोग किसके साथ कोलैबोरेशन के लिए रेडी होते हैं, जिनका 60K 70K 100K वो स्टेप का रहता है फॉलोअर्स। तो अगर आपका एक आप अगर एक छोटे क्रिएटर हो तो सबसे पहले आप जो छोटे छोटे ब्रांड है इंस्टाग्राम पर कुछ भी बोल रही हूँ मैं इंस्टाग्राम पर, तो पहले आप उनको DM कीजिए कि आप कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, अपना नेम, आप कहाँ से हो एंड आप किस टाइप का कोलैबोरेशन करते हो, फूड कोलैबोरेशन करते हो, ब्यूटी, स्किन केयर, ग्रूमिंग, जो भी अपना क्राइटेरिया है ब्लॉगर लोगों का, तो वो सबके बारे में आप बताइए कि आप कौन सा कोलैबोरेशन करना चाहते हो। ओके उसके बाद इधर आप उनको DM कर सकते हैं या फिर उनका हमेशा सबका जो ब्रांड के साइड में एक मेल वेबसाइट डाला रहता है वहाँ पे भी आप उनको मेल कर सकते हो। मेल अच्छे से प्रॉपरली एक ऑफिशियल जैसे रिज्यूम बनाते हैं वैसे आप मेल कर सकते हो कि आपका नाम क्या है एंड आप किस सिटी से बिलोंग करते हो, आप कौन सा टाइप का कोलैबोरेशन करना चाहते हो, बैटर और पेड कोलैबोरेशन करना चाहते हो एंड आप पहले से कौन से ब्रांड के साथ काम किए हो, ये सब आप लोगों को उनको मेल करके बताना पड़ता है। उसके बाद जब वो लोग मेल देखते हैं तो आपको रिप्लाई करेंगे एंड रिप्लाई करने के बाद मोस्टली ब्रांड आपका इनसाइट का फ़ोटो मांगता है। इनसाइट अब क्या होता है गाइज, जिसका भी अकाउंट प्राइवेट है तो सॉरी मैं उनको कुछ नहीं कर सकती क्योंकि प्राइवेट अकाउंट में मोस्टली कोलैबोरेशन मिलता नहीं है एंड ब्रांड ध्यान नहीं देता है, तो आपका अकाउंट जो है पब्लिक होना चाहिए एंड पब्लिक अकाउंट में, बिजनेस अकाउंट में ही आपको इनसाइट का ब्रांड फ़ोटो मांगेगी, तो आपको फ़ोटो में आपका रियलिटी पता चल जाता है कि आपके फॉलोअर्स फेक है और रियल है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग फेक फॉलोअर्स भी बढ़ा के रख रहे हैं ना, एंगेजमेंट नहीं आती है बट फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए ब्रांड भी आजकल चालाक हो गया है, ब्रांड इनसाइट का फ़ोटो मांगता है एंड फ़ोटो में उसको दिख जाता है कि आपका एंगेजमेंट कैसा है, मेल फीमेल का रेशियो कितना है एंड कौन सी सिटी से लोग आपका वीडियोस देख रहे हैं एंड क्योंकि ब्रांड को भी अपना फ़ायदा चाहिए, उसको अपना प्रोडक्ट प्रमोट करवाना है तो वो कुछ भी नहीं कराएगा ना, दैट्स व्हाई वो इनसाइड का फ़ोटो मांगता है। उसके बाद अगर आपका अकाउंट उसको अच्छा लगा, आपका अकाउंट वेरीफाई कर लिया उसने, फिर उसके बाद आपका एड्रेस वगैरह मांग के प्रोडक्ट भेज देता है। फिर आपको तो मैं पता ही पहले कि अगर आपको बैटर कोलैबोरेशन होगा तो आपको रिव्यू करना होगा, उसके बाद वो लोग पैसा दे देंगे, अगर पेड कोलैबोरेशन होगा तो आपका रिव्यू के बाद आपको पैसा भी मिल जाएगा। एंड हाँ गाइस सबसे बड़ी डाउट जो लोगों को है कि मैम कोलैबोरेशन के बाद क्या प्रोडक्ट ब्रांड ले जाता है, नहीं गाइस, एक बार आपके पास प्रोडक्ट आ गया चाहे वो बैटर कोलैबोरेशन हो या पेड कोलैबोरेशन हो। सो गाइस
एंड गाइस आप लोग ना ब्रांड को कभी भी डीएम और मेल मत कर देना, क्योंकि ये एक ऑफिशियल बिजनेस टाइप का है। वो आपके फ्रेंड तो नहीं कि आप आधी रात को सुबह सुबह भोर में उठ के या फिर कभी भी मेल सेंड कर दो। तो गाइस जो ऑफिशियल टाइमिंग रहता है हर एक ब्रांड का 9 to 4, आप ट्राई करना उसी बीच ही मेल करने के लिए, या फिर कोई कोई ब्रांड वहाँ पर मैंसन करके रखते हैं कि इस टाइम के अकॉर्डिंग ही आप उनको मेल करना, तो उसी वक्त ही उनको मेल करना। एंड ऐसे एक ऑफिशियल मेल भेजना, ऐसे वो आपके तो फ्रेंड नहीं कि अप फॉर कोलैबोरेशन डूड एनी कोलैबोरेशन हियर, ऐसा मत भेजना। एक ऑफिशियल एक पैराग्राफ लिख के एक बाय प्रोफेशनल मेल भेजना, ताकि उनको भी देख के समझ में आए कि हाँ आप एक प्रोफेशनल ब्लॉगर हो। एंड गाइज आपका फीड एक अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर एस्थेटिक होना चाहिए, ताकि उनको देखने से लगे कि हाँ अगर हम इनको प्रोडक्ट भेजेंगे तो हमारा प्रोडक्ट अच्छे से प्रमोट होगा। तो गाइज अपना फीड को प्रॉपरली मेंटेन करके रखना, तभी कोलैबोरेशन मिलता है। एंड और क्या बताना था गाइज, मैं आपको कोलैबोरेशन कितना टाइप का होता है वो बता दी, क्या करना रहता है वो भी बता दी, एंड ब्रांड को कैसे अप्रोच करना रहता है वो भी बता दी। एंड मोस्टली टाइम क्या होता है गाइस, ब्रांड आपको खुद ही आप अपना मेल भी डाल देना कि डीएम फॉर कोलैबोरेशन बायो में मेंशन करना, ये बहुत बड़ी बात है। एंड अपना मेल आईडी भी वहाँ पर डाल देना, तो ब्रांड आपको खुद ही मेल करती है, फिर खुद ही डीएम करती है कि ऐसा ऐसा कोलैबोरेशन वगैरह आप करना चाहते हो क्या। तो वो हो गया। एंड गाइस मोस्टली आजकल इतना एडवांस 21st सेंचुरी में बहुत सारा कोलैबोरेशन एजेंसी PR एजेंसीज वगैरह भी खुल चुका है। हालांकि मैं एक आध ग्रुप में हूँ, बट इतना PR एजेंसी के साथ मैं नहीं हूँ। तो गाइस आप उस ग्रुप में भी ऐड हो सकते हो। एंड अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि मेल कैसे कंपोज करें, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए या फिर DM कीजिए, तो मैं आप लोगों को वो भी बता दूँगी कि मेल कैसे किया जाता है ब्रांड को। एंड गाइस मोस्टली आप मेरे ID भी चेक कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम का ID मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। मैं जिस ब्रांड के साथ कोलैब की हूँ, आप उनको भी अप्रोच करके उनके साथ कोलैबोरेशन कर सकते हो। एंड जो इंस्टाग्राम के छोटे छोटे ब्रांड है या फिर जैसे बड़े बड़े क्रिएटर हैं, मैं तो बड़ी क्रिएटर नहीं हूँ, बट मेरे से बड़े बड़े जो क्रिएटर हैं आप उनके ID चेक कर सकते हो, उनके फीड चेक कर सकते हो। एंड उनसे फिर वो लोग जिस ब्रांड के साथ कोलैब किए हैं, आप उनके साथ भी कोलैबोरेशन के लिए मेल कर सकते हो। आई होप गाइस आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया। एंड आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया। एंड अगर अभी भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में बताना, मैं आप लोगों का हर एक डाउट क्लियर कर दूंगी। एंड मेरा इंस्टाग्राम ID एक बार आप जाके चेक कर लो, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा ब्रांड को भेजना है। सो गाइस चलिए, आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। एंड गाइस प्लीज़ वीडियो को बहुत से बहुत शेयर करो, क्योंकि वीडियो बहुत हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। एंड गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन ऑल्सो। सो गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।